हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन लाइम सोडा प्रोसेस, ज़ियोलाइट ट्रीटमेंट एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, तो हो सकता है इस वीडियो में आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए, क्योंकि जब मैंने नोट्स बनाए थे तब मेरे को ज़्यादा ही हरी में था उस वक्त, तो मैंने बहुत छोटे छोटे लिख लिए थे। तो आप मेरी वॉइस पर कंसंट्रेट करिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिएगा, बाद में आप खुद बना सकते हैं, कोई बाहरी चीज़ नहीं। ठीक है, हाँ, तो हमने तीनों जो सॉफ्टनिंग मेथड है, लाइम सोडा, ज़ियोलाइट और आयन एक्सचेंज प्रोसेस, वो हमको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देख के आओ यार, इतनी मेहनत से बनाया मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट अब हम शुरू करते हैं कि बीच में कंपैरिजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हर बार ये कहता हूँ लेकिन मैं सच कहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइम सोडा प्रोसेस, ज़ियोलाइट ट्रीटमेंट एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट प्लांट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। तो इसका जो प्लांट हम जब लगाते हैं लैम्प सोडा के, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ज़ियोलाइट में क्या होता है कि प्लांट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, तो लैम्प सोडा के मुकाबले में तो थोड़ा कम ही स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। लेस स्पेस, सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है आयन एक्सचेंज। एसिडिक वाटर कैन बी ट्रीटेड, अगर वाटर एसिडिक है तो उसको भी ट्रीट कर सकते हैं लाइम सोडा से। कैन नॉट बी ट्रीटेड, नहीं ट्रीट कर सकते हैं, एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड, इसको भी नहीं ट्रीट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल है, यानी कि सस्ता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज हाई, इसका मतलब जो भी मटेरियल यूज होता है, जैसे हमने पढ़ा था ज़ियोलाइट जेल यूज होती है, तो वो बहुत ही कॉस्ट उसका हाई है। कॉस्ट इज हाई, यस, आयन एक्सचेंज प्रोसेसर में कॉस्ट बहुत हाईएस्ट है, क्योंकि इसका हम रेजिन्स यूज करते हैं, रेजिन्स बहुत महंगे आते हैं। फोर्थ है, स्लज रिमूवल एंड फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो इसके अंदर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं वाटर का, तो उसके अंदर स्लज फॉर्मेशन होती है, तो उसका फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, स्लज रिमूवल भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, इनके अंदर कोई स्लज की फॉर्मेशन होती नहीं। हार्डनेस ऑफ वाटर शुड बी नॉन इन एडवांस। जब हम पानी को ट्रीट करें ना लाइम सोडा से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितना हार्डनेस है। तो सबसे पहले पानी का हार्डनेस टेस्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में उसे हम ट्रीट कर सकते हैं नहीं कर सकते तब पता चलेगा। इसमें नॉट रिक्वायर, हम किसी पानी को डाल के सीधे उसका बिना हार्डनेस जाने ट्रीट कर सकते हैं दोनों में सकते हैं। ठीक है, छठा है, ऑटोमेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि हम चाहें कि हम ओनली फॉर मशीनरी चालू करके छोड़ दो और अपने आप ट्रीट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम सोडा इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कैलकुलेशन किसको करनी पड़ेगी, एक सुपरवाइजर को करनी पड़ेगी, तो बिना मैन पावर के नहीं चल सकता है। पॉसिबल, पॉसिबल ये हो सकता है इसका ऑटोमेशन आराम से। ठीक है, ऑपरेशन एक्सपेंसेस इज हाई, तो इसका जो ऑपरेशन का एक्सपेंसेस है ना वो हाई है, लो है। किसके आयन एक्सचेंज प्रोसेस, सॉरी ज़ियोलाइट प्रोसेस के क्या है, ये लो है और हाइयर है। सबसे ज्यादा ऑपरेशन एक्सपेंसेस किसके अंदर है, आयन एक्सचेंज प्रोसेसर के अंदर। टर्बिट वाटर कैन बी ट्रीटेड, टर्बिट वाटर कड़वा वाटर ट्रीट हो सकता है, कैन नॉट बी ट्रीटेड, कैन नॉट बी ट्रीटेड, दोनों इस दोनों से ट्रीट नहीं हो सकता है। रेसिड्यूअल हार्डनेस इज ऑफ वाटर इज 15.30 ppm। ठीक है, तो अगर हम पानी को ट्रीट कर देते हैं लाइम सोडा से, तो हमें 15.30 ppm का वाटर, हार्डनेस वाला वाटर प्राप्त होता है। इसमें 10 ppm वाला और इसमें 0.2 ppm वाला। तो सबसे ज़्यादा अगर एफिशिएंसी हम की बात करें तो वो है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। थोड़ा अगर आप ये पूछना चाहें कि तीनों में से कौन बेस्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बताना, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं वो अपने नीड के हिसाब से ये प्रोसेस अपनाती हैं। तो अगर किसी कंपनी को ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और उनको मतलब बिल्कुल सॉफ्ट वाटर की नहीं, थोड़े बहुत सॉफ्ट वाटर की इंपॉर्टेंस है, तो वो ज़ियोलाइट प्रोसेस यूज करेगा। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री को बिल्कुल मतलब सॉफ्ट वाटर, जिनको हार्डनेस यूजिंग सब्सटेंस चाहिए ना के बराबर चाहिए, तो 0.2 ppm इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उनको आयन एक्सचेंज प्रोसेस वो अपनाएंगे। तो वो इंडस्ट्रीज की नीड पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं। तो बस हमें ये समझना था कि तीनों के बीच में क्या कंपेरिजन है, तो हमने पढ़ लिया। तो आप चाहें तो इसका अच्छे से नोट्स बना लें, और अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें, और आगे मैं क्या पढ़ाऊँ उसको भी वो भी मुझे बता दीजिए। ठीक है, थैंक्स, कमेंट तो कर देना प्लीज़। बाय।